भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल दिखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 114 दिन में पहली बार देश भर में शनिवार को डेली केसेस 500 के पार पहुंच गए। पिछले 11 दिनों में 7 दिन का औसत भी डबल हो गया है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो कुल संख्या अभी भी कम है और संक्रमण की चलते मौतों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं देखी गई। पिछले 7 दिन में 6 मौतें हुई। पिछले साल 18 नवंबर के बाद भारत में शनिवार को सबसे ज्यादा 524 मामले सामने आए। बीते 7 दिनों में 2671 नए मामले दर्ज किए गए थे। ये आंकड़ा उससे पहले 7 दिनों में आए 1802 केस से करीब 50% तक ज्यादा है। कोरोना के मामले ऐसे समय में बढ़ रहे हैं जब H3N2 इन्फ्लुएंजा से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके भी लक्षण कोरोना की तरह ही हैं। फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत पूरे NCR में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। रविवार को गुड़गांव में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। भारत में केस बढ़ने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। नीति आयोग ने दवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। लोगों को कोरोना की तरह ही नाक मुंह ढकने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है। इधर 4 हफ्ते से देश में धीरे धीरे कोविड के मामले भी बढ़ने लगे हैं। इससे पहले पिछले साल जून जुलाई में इन्फेक्शन में वृद्धि देखी गई थी। महाराष्ट्र और कई दक्षिणी राज्यों में ज्यादा मामले मिल रहे हैं। शनिवार को बीते हफ्ते में 3 राज्यों में ही 500 से ज्यादा मामले पता चले। इसमें कर्नाटक में 584, केरल में 520 और महाराष्ट्र में 512 मामले हैं। इस दौरान कम से कम 100 नए केस आने वाले राज्यों में गुजरात सबसे ऊपर है। वहां केसेस 48 से बढ़कर 190 पहुंच गए। महाराष्ट्र में 86% की बढ़ोतरी देखी गई और तमिलनाडु में 224 केस और तेलंगाना में 197 केस सामने आए। कई दूसरे राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन साप्ताहिक आंकड़े 100 से भी कम हैं। दिल्ली में 97 नए केस पता चले जो पिछले हफ्ते में 72 थे। सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ महाराष्ट्र के सोलापुर में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। फिलहाल सोलापुर शहर में 17 और ग्रामीण भाग में 4 एक्टिव मरीज मिले हैं। मुंबई, पुणे, ठाणे, वाशिम और धारावी में भी कोरोना के मरीज हैं। हालांकि ये सभी माइल्ड सिम्टम वाले हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।